ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में जो वेद मूर्ति हैं और वेदों पुराण और उपनिषद और गीता के विशेषज्ञ हैं उनके साथ में गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न बन रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अंत समय में ईश्वर का स्मरण हो, मुंह पर नाम आए। तो भगवान कृष्ण ने इसका क्या उपाय बताया है, तो अब हम वह उपाय अपने गुरु जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो हम चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, आज का विचार है इस 8वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में जो कि इस संसार में आने के पश्चात एक निश्चित समय में जब हमारा शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होता है, उस समय परमात्मा का नाम हमारे मुख में हो, हमारा मन बुद्धि से उस परमात्मा में समर्पित रूप में रहे, एतदर्थ ऐसा कौन सा उपाय है कि वो संपूर्ण प्रक्रियाएं सिद्ध हो। भगवान ने एतदर्थ गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में इनका उत्तर देते हुए कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतये। तात्पर्य क्या है कि अभ्यास योग युक्त अनन्यगामिना चेतसा परमं दिव्यं पुरुषं अनुचिंतयन याति। तात्पर्य हुआ कि हर कार्य के सिद्धि में अभ्यास ही हेतु है। संगीत जगत में एक कहावत प्रसिद्ध है कि रियाज गुरु बाकी सब चेला, और संस्कृत जगत में भी वही कहावत उसी का है जिसका यह रूपांतर इसमें यहां आया है, अभ्यास एव गुरु को, अभ्यास ही गुरु होता है। विशेष करके जो शिक्षा जगत से संबद्ध है उनके लिए अभ्यास ही मुख्य है। अभ्यास नहीं होगा तो विद्या की, ज्ञान की वो सिद्धि नहीं होती है। हमारे आचार्य पतंजलि भी कहते हैं, चतुर्भिः प्रकारे विद्या उपयोगिनी भवति, आगम काले न, स्वाध्याय काले न, प्रवचन काले न, व्यवहार काले न। तात्पर्य है कि अगर हम विद्या को पढ़ने के बाद या किसी कार्य को सीखने के बाद उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो उस कार्य विशेष की, वस्तु विशेष की, ज्ञान विशेष की सिद्धि नहीं होती, और अंत समय उस परमात्मा का नाम स्मरण हो, हमारी जितनी चित्त वृत्ति हो भगवान मैं हो, तो केवल कहने मात्र से वो नहीं हो सकता। उसके लिए दृढ़तर अभ्यास की जरूरत होगी। जब अत्यंत अभ्यास होगा इसलिए दृढ़तर अभ्यास की बात कही है। जैसे हम अचानक किसी परिस्थिति में जल्दी प्रभु का नाम हमारे मुख से नहीं निकलता है, माँ का निकलेगा, बाप का निकलेगा, भाई का निकलेगा, बेटा का नाम निकलेगा, प्रभु का नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास जो बना हुआ है वो माता पिता बेटा पत्नी
आदि के नाम लेकर के उनसे व्यवहार का हमारा अभ्यास बनाओ। परमात्मा के नाम स्मरण का हमारा अभ्यास नहीं है तो अंत समय में भी उसका नाम नहीं आएगा। इसलिए देखिए जितने संत गण हम लोग देखते हैं किसी बात पर वो परमात्मा का नाम लेते हैं, नारायण ऐसा चाहेगा तो होगा, नारायण ऐसा चाहेगा तो होगा। अन्य धर्मों वालों को देखिए, जो जिस धर्म का है वो बार बार जो है उस नाम विशेष का उच्चारण करता है, अभ्यास बना रहा है, भले ही वो काम गलत भी करते हो, ये नहीं केवल अच्छे ही काम कर रहे हैं, फिर भी वो अपने धर्म के अनुसार तत्त्व व्यक्ति विशेष का या पुरुष विशेष का नाम लेते हैं। हमारे यहां भी यही नियम और था भी, आज भी है, लोग प्रणाम करते हैं तो प्रणाम हाथ जोड़ करके नमस्ते नमस्कार आदि ये करने की अपेक्षा सब लोग राम राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे, महादेव, जय गणेश आदि शब्दों का उच्चारण करने की एक परंपरा बनाई गई, वो भी एक अभ्यास का एक स्वरूप है। गांव में आज भी लोग प्रणाम करने में राम राम काका, राम राम भाई आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो अभ्यास में बनाने के लिए। तो अभ्यास में बनाने का तात्पर्य यह है कि हमारी जितनी गतिविधियां हैं प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि सोने तक, उनमें सब में प्रभु के नाम की स्थिति बने हमारे उच्चारण में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, तो वो अभ्यास क्या हो जाता है, योग हो जाता है। योग का मतलब क्या है, संबंध। संबंध कैसा संबंध, अतिशय संबंध। इसलिए अभ्यास योग युक्त न चेतसा, जो चित्त हमारा हो वो अभ्यास रूपी योग से युक्त होना चाहिए, अर्थात प्रतिपल प्रतिक्षण उस परमात्मा के नाम स्मरण पूर्वक ही कार्य व्यवहार की स्थिति हमारी बनती हो। और वो चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, न अन्य अनुगामिना, किसी दूसरे का अनुगमन करने वाला ना हो उस परमात्मा के अतिरिक्त, किसी से उसका कोई भी व्यवहार की विषयता तदरूप ना बने जो परमात्मा के अनुसार बनती है। अत्यंत समर्पण, अत्यंत चित्त में उस भगवान नाम का पूर्ण रूप से गूंजना निरंतर, इस निरंतर का मतलब इसको कहते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रति स्थिति में उसको होना चाहिए। तो तद्रूप में जब वो होगा तब हम उस स्मरण से युक्त होकर के उस परमात्मा के का स्मरण निरंतर करेंगे और वो हमारे अभ्यास में युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा हमारे अभ्यास में, इसलिए वो योग हो गया। जो हमारे अभ्यास के साथ साथ हमारी संपूर्ण दिनचर्या में जुड़ जाता है वही योग हो जाता है। योग का मतलब क्या, संबंध, जुड़ना। तो अभ्यास योग युक्तेन न अन्य गामिना चेतसा, ऐसा चित्त वृत्ति हो किसी उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का स्मरण न करे, तब वो क्या करेगा, परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष है। परम पुरुष यह है कि जो संपूर्ण जगत के जितने कार्य व्यवहार हैं, उत्पत्ति पालन संहार आदि और उसके अनंतर भी जो दैनिक व्यवहार है सबका संचालन जिसके शक्ति से हो रहा है वो है परम पुरुष है। और कैसा है, वो दिव्य है, परम पुरुष है, दिव्य है वो, क्योंकि उसका कैसा स्वरूप है, देदीप्यमान स्वरूप है, दिव्य है वो। और दिव्य होने के कारण ही वो परमात्मा जो है वो स्वरूप उसका क्या है, विलक्षण है। दिव्य का मतलब क्या होता है, अतिशय विलक्षण, इसी जिसको पूर्व में अधियज्ञ शब्द से कहा गया है। तो वो जो स्वरूप है उस परमात्मा का दिव्य स्वरूप है और वो कैसा है, परम पुरुष है, परम प्रकाश स्वरूप है, उस परमात्मा का जो है अनुचिंतन निरंतर चिंतन होना चाहिए, अबाध गति से अव्यवहित चिंतन, बीच में कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा जो चिंतन रहता है तभी वो चिंतन की जो धारा है वो
पूर्ण रूप से सतत प्रवाहमान जब रहेगी तो अंत समय में भी उसका विच्छेद नहीं होगा। अगर बीच में आपने किसी दूसरे का स्मरण किया तो अभ्यास आपका खंडित हो जाता है। जैसे कोई प्रयोग आप विज्ञान का करते हैं और जितने घटक द्रव्य हैं और जितने समय में उनको डालना चाहिए अगर आप भूल गए तो फिर से उस पूरे प्रैक्टिकल को आपको प्रारंभ से करना पड़ता है, क्योंकि उसमें द्रव्य के में अधिक समय लगने से उसका विकृति का स्वरूप हो जाता है। तो वो जो आप प्रयोग कर रहे हो प्रयोग आपका सिद्ध नहीं होता। ठीक उसी ढंग से ये जो भगवान नाम स्मरण का जो नैरंतर्य है ये तभी सिद्ध होता है कि जब शास्त्रानुसार गुरु के द्वारा बोधित क्रमानुसार जब उस प्रक्रिया को निरंतर करते हैं तो हम जो है उस प्रक्रिया के करने से उसको अभ्यास की निरंतरता को स्थापित करते हैं, और जब वो निरंतरता स्थापित हो जाती है तो किसी भी क्षण उस भगवत नाम का विस्मरण नहीं होता है, स्मरण ही चलता रहता है। ऐसी अवस्था में अंत समय जब आएगा तो जो निरंतर अभ्यास हमारा बना हुआ है तो इसलिए उस प्रभु के नाम का ही स्मरण होगा, किसी दूसरे के नाम का स्मरण नहीं होगा। और उस नाम स्मरण केवल जीवा से नहीं होगा अपितु संपूर्ण जितने भी उस स्मरण के साधन हमारे शरीर में विद्यमान है, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, सबसे उस भगवान नाम का स्मरण होगा। इंद्रियों से तो होता ही, तो प्रक्रिया का संचालन तो इंद्रियां ही करती है। तो उस अंत समय का जो स्मरण का स्वरूप है इस तरह से ही बन सकता है। और इसके सबसे योग्य दो चीजें, एक तो अभ्यास होना चाहिए, दूसरा आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि अब आज से हमको निरंतर भगवान नाम स्मरण के स्वरूप को अपने अभ्यास में, अपने बुद्धि में, अपने मन में स्थापित करना है। कोई भी बात बोलेंगे तो भगवान नाम स्मरण पूर्वक ही बोलेंगे, उनके नाम का सर्वदा उच्चारण, वस्तुतः स्मरण के साथ साथ उच्चारण पूर्वक स्मरण, क्योंकि अगर उच्चारण नहीं करते हैं स्मरण, स्मरण भी आवश्यक है, उच्चारण भी आवश्यक है। तो कभी कभी उच्चारण आपका दूसरे का भी हो सकता है, स्मरण आप दूसरे करते रहते हैं, उच्चारण किसी दूसरे कर देते हैं। ये देखा गया है कि सामने बैठा व्यक्ति उसका नाम आप भूल किसी दूसरे नाम से उसका व्यवहार करने लगते हैं। अगर आपका चित्त जो है वो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो आप उसी का स्मरण करते हैं। तो स्वस्थ चित्त होने के लिए, व्यवस्थित चित्त होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अभ्यास पूर्वक, निरंतर अभ्यास पूर्वक जो उस नाम स्मरण को अपने हम मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतत्व से सबसे सम्मिलित होकर के उसे वाग इंद्रिय से उसका हम निरंतर उच्चारण करेंगे तो फिर वो अभ्यास हमारा कभी खंडित नहीं होगा। इसी की चर्चा भगवान ने सबके संपूर्ण लोक हितार्थ उन्होंने की और बताया कि भगवान नाम स्मरण का निरंतर आप कैसे बना सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया का भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्थापित किया। एक मुख्य मंत्र इसमें मिला जो गुरु जी ने प्रारंभ में ही बताया कि अभ्यास, तो संगीत का भी अभ्यास, जिस किसी भी कला या टीचिंग में अभ्यास करना है उसी में नैपुण्य मिल जाता है और परफेक्शन मिलता है। तो सर्जन जो है सर्जरी का अभ्यास करते हैं, टीचर लेक्चर का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास सबसे प्रमुख चीज़ है। और कितने घंटे हम अभ्यास कर रहे हैं तो उसी को रियाज भी कहा गया। तो जितने ज़्यादा देर हम अभ्यास करते हैं तो उसमें वो पक्के होते चले जाते हैं और निपुण होते चले जाते हैं। तो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे उसी का निरंतर जो है ध्यान रहेगा। तो ईश्वर के नाम का अभ्यास करना है तभी ईश्वर का अंत में नाम रहेगा। तो ये जो है विश्लेषण अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल।